पति से मोबाइल पर हुई अनबन के बाद पत्नी ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना का पता चलते ही मकान मालिक ने अन्य किराएदारों के साथ दरवाजा तोड़कर मृतिका का शव पंखे से लटका हुआ देखा तो वह भी दंग हो गया। उसने तत्काल मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतिका लक्ष्मी नागवंशी और उसके पति आनंद नागवंशी ने कुछ दिन पहले ही बूढ़ी स्थित सिद्धार्थ नगर में किराए से रूम लिया था, जहां पर वह दोनों ही निवास करते थे। पति ट्रक ड्राइवर होने के कारण अक्सर बाहर रहता था। आज दोपहर में किसी बात को लेकर दोनों के बीच मोबाइल पर चर्चा के दौरान अनबन हो गई। इसके बाद नवविवाहिता लक्ष्मी ने फोन पर ही फांसी लगाने की बात कह दी और फंदे से झूल गई। मृतिका के पति आनंद नागवंशी ने इस बारे में तत्काल मकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद उसने कमरे का दरवाज़ा तोड़वाया तो पता चला कि लक्ष्मी की जान जा चुकी है। इस पर उसने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। वही सूचना मिलते ही CSP अंजुल मिश्रा और थाना प्रभारी KS गहलोत दलबल के साथ मौके पर पहुँचे। बताया जा रहा है कि मृतिका उकवा क्षेत्र के दलदला की निवासी है। आधार कार्ड में जिसकी उम्र करीब 17 साल की होना पाई गई है। ऐसे में यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा होना प्रतीत होता है। नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल मिश्रा की माने तो पुलिस सभी एंगल से घटना की जांच कर रही है। आज बूढ़ी में नवविवाहिता लक्ष्मी नागवंशी के द्वारा सुसाइड करने की जानकारी आई है, जिसमें मौके पर आकर हम लोग उनका शव पंचायत वगैरह बनाकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें आगे चल के वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभी तक क्या समझ में आया सर, किसके साथ रह रही? उसमें प्राइमो फेसी उनके द्वारा सुसाइड करने का बाय हैंगिंग से समझ में आया है और अपने हस्बैंड के साथ वो यहाँ रहती थी, जो कि ट्रक ड्राइवर हैं और अभी बाहर हैं, तो उनसे भी हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लड़की के परिवारजनों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको आगे बुलाकर उनसे उनके कथन लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ जानकारी? अभी ये वेरीफाइड नहीं है, उसके लड़की के परिवारजन आ जाएं, फिर हम स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करके उसमें जो भी जानकारी आएगी उसके बाद देखेंगे।